तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपनी इस वीडियो में। तो आज मेरे पास है कुछ टेक न्यूज, तो चलो आ जाओ दिखाता हूं आपको टेक न्यूज। तो पहली न्यूज आ रही है हमारे MWC की, जिसका सभी के सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको कौन कौन से फोन इसमें लॉन्च होने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूज बता देता हूँ सैमसंग की। सैमसंग गैलेक्सी S9 की डेट निकल के आ गई है, वो लॉन्च हो सकता है 25 फेब को लॉन्च हो रहा है। जी हाँ, ऐसी कुछ लीक्स निकल के आ रही हैं हमारे पास। तो MWC में लॉन्च होने वाले हैं हमारे कुछ फोन्स, तो दिखाते हैं आपको कौन कौन से फोन्स हैं वो। तो MWC में लॉन्च होने वाले हैं हमारे सैमसंग के फोन, जिसे वो सबको पता है कि इतने दिनों से न्यूज उड़ रही है Galaxy S9 और Galaxy S9 Plus की। तो अगला फोन है हमारा LG का। LG अपना फोन लेके आने वाला है G6 और V30। तो अगली कंपनी हमारी Huawei, तो Huawei अपना कुछ नया लॉन्च करने वाली है P10 और P20 के नाम से। जी हाँ, स्पेसिफिकेशन वगैरह लीक्स नहीं आई है हमारे पास, बस फिलहाल इतना ही है, और हो सकता है ये अपनी कोई वॉच वगैरह भी लॉन्च करें। अगली कंपनी है हमारी Alcatel, तो Alcatel लेके आने वाली है अपने कुछ डिवाइसेस, तो उसके कुछ लीक्स निकल के आ रहे हैं, तो हम बता देते हैं। जिसके अंदर हो सकता है MediaTek का प्रोसेसर, 2GB रैम और डुअल कैमरे होंगे, एक होगा 16 का, एक होगा 2 मेगापिक्सल का। बैटरी होगी लगभग 3000 mAh की और इंटरनल स्टोरेज होगी 16GB। जी हाँ, बस अभी इतने ही स्पेसिफिकेशन हमारे पास निकल के आई हैं, तो हमने आपको बता दिया, और ये रही उसकी कुछ फोटोज। तो बात कर लेते हैं हम अपनी फेवरेट कंपनी की, जिसके बहुत बड़े फैंस हैं। मेरा एक दोस्त है हनी, वो भी बहुत बड़ा फैन है इस कंपनी का, नोकिया, जिनके नाम होंगे Nokia 1, 4, 7 Plus and 9। ऐसी कुछ लीक्स निकल के आई हैं, ये रही उसकी फ़ोटो। ये फ़ोटो है Nokia 9 की, कुछ ऐसा हो सकता है Nokia 9। और Nokia 9 की स्पेसिफिकेशंस हैं कुछ, 5.5 inch की डिस्प्ले होगी, OLED, डुअल कैमरे होंगे इसके बैक के, एक होगा 13, एक होगा 12 मेगापिक्सल का। बैटरी होगी इसकी लगभग 3250 mAh की और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा 835। फ्रंट कैमरा होगा इसका लगभग 5 मेगापिक्सल का। तो साथ में नोकिया इसके लॉन्च करने वाला है Nokia 7 Plus। जी हाँ, जो Nokia 6 का अपग्रेड वर्जन होगा, और साथ में और Nokia 1 आ रहा है हमारा Android Go के साथ, जो कि जो उन बंदों के लिए है जो स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके अंदर होगा हमारा Android 1 और 1GB की रैम। अब बात कर लेते हैं हम सोनी की, तो सोनी लॉन्च करने वाला है अपना एक प्रीमियम फ़ोन, जिसका नाम है सोनी Xperia Z Pro। जी हाँ, इसके अंदर भी डिस्प्ले होगी OLED, 4K, 5.7 inch की OLED डिस्प्ले होगी ये। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा 845, 6GB की रैम होगी, और ये सोनी का पहला हैंडसेट होगा जिसके अंदर डुअल सेटअप कैमरा होगा। जी हाँ, 18 मेगापिक्सल का और 12 मेगापिक्सल का। इंटरनल स्टोरेज होगी इसकी 128GB और बैटरी होगी लगभग इसकी 3420 mAh। कहा जा रहा है कि सोनी अपने कुछ मिड रेंज फ़ोन भी निकालेगा, जिनका नाम होगा सोनी Xperia XZ प्रीमियम एंड सोनी Xperia XZS, और इसी के साथ ही एक मिड रेंज फ़ोन भी निकालने वाले हैं अपने 3। जी हाँ, जिसके नाम होंगे सोनी Xperia XA2, XA2 Ultra एंड L2। बहुत बड़े नाम हो जाते हैं यार, थोड़ा छोटा नाम करो यार। अब हम बात कर रहे हैं लेनोवो और Motorola की। तो जैसे कि हम जानते हैं, Motorola ने 2017 में अपने कुछ फ़ोन निकाले थे Moto G5 एंड G5 Plus। तो इस साल इन्होंने कुछ सोचा नया करते हैं, तो अब ये लॉन्च करने वाले हैं अपने Moto G6, G6 Plus एंड G6 Play। तो इनके कुछ लीक्स निकल के आई हैं हमारे पास, ये इनकी फोटोज हैं। तो अब हम बता देते हैं इनकी एक एक करके छोटी छोटी सी स्पेसिफिकेशन जो इनकी लीक होके आई हैं। जी हाँ, जैसे G6 के अंदर हो गया आपकी 5.7 inch की डिस्प्ले हो गई, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा इसमें 450 और बैटरी होगी इसकी लगभग 3000 mAh की। अब बात कर लेते हैं हम प्लस की, तो प्लस की सेम डिस्प्ले हो गई और प्रोसेसर होगा 630 का होगा, बैटरी होगी लगभग 3200 mAh की। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं हम प्ले की भी डिस्प्ले सेम होगी, 4000 mAh की बैटरी होगी और प्रोसेसर सेम होगा। कहा जा रहा है कि मोटो अपने कुछ फ़ोन निकालने वाला था, पर वो अब नहीं निकालेगा। उन फ़ोनों के नाम थे Moto Z3, Moto Z3 Play एंड X5। अब हम बात कर लेते हैं अपने Xiaomi की, या बोल लो MI की।
तो ये लॉन्च करने वाला है अपना फोन MI 6 एंड्रॉयड 1 के साथ। जी हाँ, इसकी डिस्प्ले होगी लगभग 6 इंच की, प्रोसेसर होगा इसका स्नैपड्रैगन 835। बस अभी मेरे पास इतनी ही लीक्स थी, कैमरा वगैरह कुछ नहीं बताया कितना हुआ क्या होगा, भगवान जाने। और भी कंपनियां होगी इसके अंदर MWC के अंदर, जैसे हमारी HTC हो गई, Acer हो गई, Asus हो गई, ये कंपनियां भी MWC में होंगी। और जाते ही जाते आपको एक चीज और बता दूं, हमारा फेवरेट गेम टेकन लॉन्च हो चुका है मोबाइल के लिए। जी हाँ, लॉन्च हो चुका है, जो कि कनाडा में। जी हाँ, इसकी प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहां से प्री रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको टेकन खेलना है तो, या बोल लो आप टेकन के बहुत बड़े फैन हो तो आप प्री रजिस्टर कर दो। तो बस आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं इस वीडियो के सुझाव, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना 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 ना, ना जाएं। जो रेड बटन है उसे किसी भी तरह से प्रेस कर दो, मुझे नहीं पता, बस प्रेस कर दो और उसके बगल वाले घंटे को हिला दो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।